So, आज है मेरे पास पहले तो एयरटेल की 5G सिम एंड दूसरा है एयरटेल का एयर फाइबर। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि ये एयर फाइबर एक्चुअल में है क्या, कैसे काम करता है एंड क्या ये आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। पहले देखते हैं कि एयर फाइबर है क्या। तो पहले तो ये मेरा एक नॉर्मल फाइबर कनेक्शन है जियो का, जिसमें आप देखते हो कि दो वायर केबल्स अटैच होती है, एक नॉर्मल पावर केबल एंड एक फाइबर केबल जो सीधा पोल से जाके कनेक्ट होती है। लेकिन ये है एयर फाइबर, इसके अंदर सिर्फ एक पावर कॉर्ड कनेक्ट होती है जो आप अपने घर में कहीं पे भी लगा सकते हो एंड आपका पूरा एरिया फुल वाईफाई हो जाता है। इसमें कोई भी अलग से फाइबर कनेक्शन केबल लगाने की नीड नहीं होती। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या मिलता है इसके साथ। स्टार्ट करते हैं बॉक्स से। तो यहाँ पे ये है सबसे पहले एक एयरटेल का नॉर्मल एक कवर पैकेजिंग, के अंदर निकलता है एक और कार्डबोर्ड बॉक्स जिसपे अगेन एयरटेल की ब्रांडिंग की हुई है। एंड इसको ओपन करने के बाद सीधा मिलती है हमको एक क्विक स्टार्ट गाइड एंड उसके बाद है एक वॉल चार्जर जो की नॉर्मल 3 पिन का है। एंड फाइनली निकल के आता है हमारा एयर फाइबर जो की कुछ इस तरीके से दिखता है। दिखने में काफी एलिगेंट सा है, प्योर व्हाइट के अंदर, नीचे ग्रे कलर यूज्ड है, टॉप यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ एक नॉर्मल कुछ वेंट्स वगैरह दिए हुए हैं। आपके इंटीरियर्स एंड इंडोर्स के साथ बहुत इजीली ब्लेंड इन हो जाएगा एंड दिखने में काफी सटल सा लुक है। पोर्ट्स देखे तो यहाँ पे एक वैन का पोर्ट है, 3 LAN के ईथरनेट पोर्ट्स मिल जाते हैं जो कि गीगाबिट वाले हैं, एक USB पोर्ट, एक रीसेट का बटन एंड एक पावर का सॉकेट विद ऑन ऑफ बटन। यहाँ पे एक सील भी लगी हुई है, वारंटी खत्म हो जाएगी अगर आपने इसको किसी भी तरीके से खोलने की कोशिश करी तो। एंड नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंशन है जैसे कि IMEI नंबर क्या है और डिवाइस एक्सेस कोड और वाईफाई का नेम एंड पासवर्ड एक्सेट्रा। यहाँ पे देखो तो यार एक ये ना सिम स्लॉट है एंड इस सिम स्लॉट के अंदर ऑलरेडी एक प्री इंस्टॉल्ड सिम निकलती है जो कि 5G वाली है। सो ये पूरा जो कनेक्शन है यहाँ पे एयर फाइबर का, ये चल रहा है पूरी इस सिम कार्ड से। अब अगर आप सोच रहे हो कि यार हमारे फोन के अंदर भी तो 5G अनलिमिटेड चल रहा है तो इनकी 5G सिम से इन्हीं का डिवाइस क्यों चलाएं जो कि इतने महंगे प्लान दे रहे हैं, तो भाई नहीं, कंपनी बेवकूफ नहीं है। आपकी फ्री 5G अनलिमिटेड वाली सिम इस डिवाइस के अंदर नहीं चलेगी क्योंकि ये डिवाइसेज इनके सिम लॉक्ड है। वो अलग बात है कि आगे चल के कुछ तोड़ निकल आए, क्योंकि मैंने देखा है जियो के केस में भी ऐसा ही हुआ था। आफ्टर मार्केट में जियो के सेट ऑफ बॉक्सेस ऐसा कुछ बिक रहे हैं सस्ते के अंदर, आगे चल के कुछ इसकी ऐसी अनलॉकिंग या जेल ब्रेकिंग हो जाती है तो वो एक बात अलग है, लेकिन अभी के लिए कंपनी की तरफ से तो ऐसा सच में कुछ भी फ्री सिम कोई भी लगा लो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वैसे एक बात है, अगर आप हमारे टेलको ट्यूजडेज को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा जियो ने अपना एयर फाइबर पहले अनाउंस किया था लेकिन एयरटेल ने पहले एग्जीक्यूट कर लिया, बट मेरे हाथ ये बड़ी मुश्किल से लगा है। तो आज इस वीडियो के अंदर सब कुछ क्लैरिटी से आपको बता दूंगा कि क्या आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ये सारी चीजें इस वीडियो में चालू करते हैं। अब सीधा यूसेज पे आते हैं तो कुछ नहीं, सिर्फ अपने चार्जर का प्लग लगाना है, यहाँ पे ऑन करना है एंड फ्रंट की तरफ हमको इसकी लाइट्स पता चल जाती हैं कि यहाँ पे 3 लाइट्स हैं। सबसे पहले नीचे दिखाता है वाईफाई रेंज, देन दिखाता है कि सिग्नल इसकी सिम के अंदर कितने आ रहे हैं एंड देन फाइनली ये वाला कनेक्टिविटी दिखाता है। जब कनेक्टिविटी स्टेबल होती है तो ये वाली लाइट स्टेल हो जाती है एंड जब अनस्टेबल होती है तो ये इसी तरीके से ब्लिंक करती रहती है। लेकिन एक बात नोट करने वाली है, कंपनी अभी ये एयर फाइबर कनेक्शन सिर्फ 2 जगहों पे दे रही है पूरे इंडिया में, एक मुंबई एंड एक दिल्ली NCR। लेकिन मैं हूं अभी आगरा में तो बड़ी मुश्किल से अपने एक फ्रेंड के नाम पे कनेक्शन लेके आगरा मैंने इसको कोरियर से मंगवाया, इस हाई डाउट में कि भाई ये चलेगा भी या फिर नहीं। एंड गेस व्हाट, जिसका डर था वही हुआ, नहीं चला। मेरे घर की लोकेशन पे स्टेटस ये है कि वाईफाई के सिग्नल्स पूरे दे रहा है ये, अपना नेटवर्क इसको पूरा कैच हो रहा है लेकिन नेट की कनेक्टिविटी स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। फिर मुझे इनकी एक्सट्रीम एयर फाइबर डेडिकेटेड ऐप के बारे में पता पड़ा एंड यहाँ पे मैंने इसको जब लिंक करा तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि बेस्ट स्पॉट क्या है इसको रखने का। तो देखो यहाँ पे ना ये दिखा रहा है कि लेफ्ट राइट जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो ये किस तरफ हमारा एक्चुअल 5G का टॉवर जो है वहां पे लगाया जाए। तो इस ऐप के हिसाब से हमको अपने एयर फाइबर की जो प्लेसमेंट है वो अपने प्रेमिसेस के अंदर इस डायरेक्शन में जितना हम ले जा सकते हैं ले जाके रखें तो नियरेस्ट टॉवर के पास पहुंच जाएंगे, उस हिसाब से हमको और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी मिल जाएगी। एट द सेम टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे घर के अंदर एयरटेल के 5G सिग्नल तो बोल ही नहीं रहे, 4G पे भी सिर्फ 7 से 8 MBPS की स्पीड आ रही है, तो ऐसे में भाई ये एयरटेल का एयर फाइबर क्या कर लेता। फिर मैं आ गया बाहर बालकनी में, इस ऐप के हिसाब से बेस्ट लोकेशन जो है वो यहीं की आ रही थी अपने घर के प्रेमिसेस के अंदर एंड गेस व्हाट, यहाँ पे सिग्नल थोड़े से कम हो गए हैं लेकिन कनेक्टिविटी वाली लाइट बिल्कुल स्टेबल हो गई। तो यहाँ पे ओपन पे मैंने रख दिया अपना एयर फाइबर एंड मेरे फोन पर मैंने अपना वाईफाई कनेक्ट कर लिया है इस एयर फाइबर पे। अब इसकी चेक करते हैं स्पीड, तो डाउनलोड स्पीड जो फाइनल निकल गया वो आई 114 MBPS एंड अपलोड काफी कम है जो कि अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 20 MBPS। तो देखने वाली बात यह है कि जितने का प्लान है इसके अंदर 100 MBPS का, भाई डाउनलोड पे तो काम कर रहा है लेकिन अपलोड पे थोड़ा सा ढीला ही है। ऑल्सो जो यहाँ पे पिंग रिकॉर्ड हुई वो अप्रोक्सीमेटली 38 जो कि मेरे हिसाब से 5G के हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा है, ये
और कम हो सकती थी। तो अपना कवरेज चेक करने के लिए मैं इंडोर्स आ गया हूँ एंड जो हमारा राउटर प्लेस्ड है या एयर फाइबर प्लेस्ड है कह लूं, वो एक रूम छोड़ के बाहर बालकनी में प्लेस्ड है। तो अप्रोक्सीमेटली 2 वॉल्स का पेनिट्रेशन इसको करना पड़ेगा स्पीड को ब्रेक थ्रू करने के लिए। एंड यहाँ पे जो स्पीड आ रही है वो अप्रोक्सीमेटली 30-40 mbps के आसपास वेरी कर रही है और ये अप्रोक्सीमेटली 65% ड्रॉप है। इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, घर के सेंटर में लोकेटेड होगा तो ही ढंग से काम करेगा। अब चेक करते हैं कि वर्टिकली फ्लोर्स में कितना फर्क आएगा। तो अब हम आ गए हैं स्टेरेस पे एंड एग्जैक्टली जो एयरटेल एयर फाइबर की प्लेसमेंट है उससे हम 3 फ्लोर्स ऊपर हैं एंड यहाँ पर जो वाईफाई की रेंज है वो अप्रोक्सीमेटली पूरी आ रही है। तो नीचे इस वाली बालकनी में हमने राउटर प्लेस करा हुआ है जो कि अप्रोक्सीमेटली 3 फ्लोर नीचे है। तो अब स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं कि यहाँ पे कितनी स्पीड टेस्ट बोल रही है। तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ज्यादा आनी चाहिए क्योंकि नेटवर्क्स अच्छे खासे यहाँ पे शो कर रहा है। एग्जैक्टली सेम 114 mbps की स्पीड यहाँ पे कैप्चर हुई, मतलब कि यहाँ पे फुल कवरेज दे रहा है, फुल स्पीड दे रहा है, किसी भी तरीके से कोई लॉस नहीं है स्पीड का। इंटरेस्टिंग चीज ये होगी देखने की यहाँ पे वाईफाई तो चलो ठीक है एयर फाइबर के थ्रू चल रहा है, लेकिन हमारे मोबाइल डेटा पे 5G कितनी स्पीड इस एरिया में आ रही है। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया है अपने मोबाइल डेटा पे एंड ये स्पीड टेस्ट करके देखते हैं। पिंग आया है 116 का एंड जो स्पीड है वो भी भाई 3G वाली आ रही है 5G के नाम पे। तो 8-10 mbps मुश्किल से मुझे लग रहा है रीच कर पाएगा ये। तो सिर्फ 9 mbps की डाउनलोड स्पीड आई है 5G के ऊपर, चांस की बात है। देखो मैंने ना 2-3 दिन पहले भी चेकआउट करा था तब अप्रोक्सीमेटली 150 या 200 mbps की आ रही थी, लेकिन इस टाइम पे तो डब्बा गोल हो रखा है। लेकिन अब एक बार जियो का और चेक करके देख लेते हैं। तो देखो ये जियो का 5G मोबाइल डेटा पर है एंड यहाँ पे देखते हैं कितनी स्पीड आ रही है। ओ छप्पर फाड़ के बाहर निकल गया भाई ये, अप्रोक्सीमेटली 400 तो क्रॉस कर ही गया बहुत ही इजी पहले ही शॉट के अंदर एंड अप्रोक्सीमेटली बस यही 425 mbps की स्पीड यहाँ पे जियो के 5G की देखने को मिल रही है। अब खुद ही सोचो एयरटेल का 8 mbps कहाँ और जियो का 450 mbps कहाँ, कितने एक्स का फर्क है नीचे कमेंट करके खुद ही बता देना। अब एक चीज इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है कि काफी सारे लोगों को स्पीड अच्छी खासी आ रही है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि भाई ऐसे एयर फाइबर की नीड क्या है जब हमारे पास एक सिम है अनलिमिटेड 5G फ्री में दे रही है। तो इसका आंसर ना बहुत ही सिंपल है, जो एयरटेल की 5G सिम आपको मिल रही है वो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एज अ ट्रायल बेसिस पे मिल रही है, सिर्फ आपको एक्सपीरियंस कराने के लिए कि इनकी 5G सर्विसेज कैसी चल रही है, सिर्फ तब तक जब तक इनके ऑफिशियल प्लान्स लॉन्च ना हो जाएं। और प्लान्स अगर आ भी गए तो 3300 GB तो आपको नहीं मिलने वाला किसी भी मोबाइल डेटा के प्लान के अंदर। तो ये जो एयर फाइबर है ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा यूज केस बना के निकाला गया है कंपनीज के थ्रू सिर्फ अपने 5G को प्रमोट करके मोनेटाइज करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनियों का सिर्फ अपना ही बेनिफिट है, ये एक्चुअल में बहुत सारे लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है, स्पेशली उन जगहों पे जहां पे 5G के नेटवर्क्स तो पहुंच गए लेकिन फाइबर वायर जो है वो हर कॉलोनी के हर घर तक पहुंचने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। ऑल्सो मुझे पोर्टेबिलिटी के हिसाब से काफी सही लगा कि अगर मैं कहीं 2-3 दिन बाहर जा रहा हूं अपनी फैमिली ट्रिप पे या कहीं वेकेशन पे तो हो सकता है इसको मैं कैरी कर लूं एंड वहां पे अनलिमिटेड डेटा 5G के स्पीड पे यूज कर लूं। अब एक पॉइंट टू नोट यहां पे ये है कि इस डिवाइस के लिए आपको 2500 रुपए सिक्योरिटी देनी होती है एंड सिर्फ एक ही प्लान अवेलेबल है कंपनी की वेबसाइट पे जो कि अगेन एक्सट्रीम फाइबर वाला ही प्लान है 799 प्लस GST जिसमें आपको 100 mbps की स्पीड मिलती है एंड सिर्फ 6 मंथ्स का रेंटल ही अवेलेबल है अभी के लिए अगर आपको ये लेना हो। अब काफी सारे लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, सिर्फ 100 mbps का स्पीड का एक ही प्लान क्यों निकाला है। तो इसका भी बड़ा सिंपल सा रीजन है, कंपनी स्ट्रेटेजिकली बहुत दिमाग से खेल रही है। मेरे हिसाब से शायद कंपनी इससे ज्यादा का प्लान इसलिए नहीं दे रही क्योंकि उन्हें भी पता है कि 200 mbps 500 mbps 1 Gbps आ ही नहीं रहा है स्टेबिलिटी एंड फुल कवरेज के साथ, तो लोग ऑप्ट करें प्लान को देन बाद में कंप्लेन करें। इससे अच्छा तो ये है कि बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल वाला प्लान दे दो जिससे 5G का नाम भी हो जाए एंड स्पीड के नाम पे थोड़ा सा काम भी हो जाए। ऑल्सो मैंने इस डिवाइस की कैपेबिलिटी चेक करी इनके राउटर के कॉन्फिग पेज पे, तो जो USB पोर्ट है उसके में तो कोई भी पेन ड्राइव या SSD कनेक्ट करके काम नहीं चल रहा है, प्रिंट सर्वर भी काम नहीं कर रहा। अगर आगे चला तो मैं बता दूंगा, अभी के लिए ऐसा लग रहा है कंपनी ने अपने एंड पे लॉक कर रखा है। लेकिन अगर आगे चल जाता है तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि इसके USB पोर्ट से आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आप इस तरीके की वीडियो चाहते हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। लास्टली अगर प्राइसिंग के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर कह रहे थे कि यार इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों रखा हुआ है, राउटर्स में तो यूजुअली लेते नहीं है कंपनी। तो सिस्टम ये है कि अगर आप हमारी टेलकोस फॉलो करते हो तो आपको हमने बताया था लास्ट के कुछ एपिसोड्स में ही कंपनीज को ये डिवाइस बहुत महंगी पड़ रही है, जिस वजह से वो चाह रहे हैं कि अगर कस्टमर को ये डिवाइस ना बेची जाए तो एटलीस्ट 6 महीने तो कस्टमर हमारे पास रहे, इसीलिए 6 महीने का इन्होंने प्लान निकाला है। अगर इस डिवाइस के पैसे अलग से लेके डेटा एक्चुअल में 5G वाला सस्ता कर दिया जाता तो ये कंपनी के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता, लेकिन फिर ऐसे लोग बहुत कम होते जो इस पर्टिकुलर डिवाइस को पसंद करते खरीदने के लिए, क्योंकि डिवाइस की कॉस्ट कंपनी को ही अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपए की पड़ रही है। तो ये कुछ था इस पूरे एयरटेल के एयर फाइबर के बारे में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन अभी भी रह गए हो तो आप प्लीज नीचे कमेंट करके बता देना, आई विल मेक अ फॉलो अप वीडियो। और ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सार्कास्टिक, सी या एंड गुड बाय।